सब्सक्राइब कीजिए सही उपाय ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। दोस्तों सही उपाय ऑल इन वन चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। जब से रिलायंस कंपनी के सर्वे सर्वा मुकेश जी ने रिलायंस जियो फोन से पर्दा उठाया है, तभी से आप ये सुनते आ रहे हैं कि जियो फोन की बुकिंग चालू हुई है, आप यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं, आप ऐसे बुकिंग कर सकते हैं, आप फलाना फलाना वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हैं और न जाने क्या क्या। लेकिन ऐसी कोई भी प्री बुकिंग या बुकिंग जियो फोन की तरफ से अभी तक चालू नहीं हुई है, और आप ऐसे ही कोई भी फर्जी वेबसाइट से बुकिंग ना करें। ये बुकिंग सिर्फ और सिर्फ 24 अगस्त को ही शुरू होने वाली है, उसके बाद ही आप बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों खुद मैंने जियो हेल्पलाइन में बात करके इसकी इन्फॉर्मेशन ली है। अगर आप भी इसकी जानकारी चाहते हो तो जियो जनरल हेल्पलाइन नंबर 199 पे जियो सिम से बात करके जियो टीम एग्जीक्यूटिव यानी जियो के सलाहकार से बात करके इसकी जानकारी पा सकते हैं। कोई भी फर्जी वेबसाइट आपको जियो फोन प्री बुकिंग करने के लिए कहेगी तो सावधान रहे, क्योंकि ऐसे साइट के मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक पे आपने देखे होंगे, लेकिन ऐसे कोई भी साइट से बुकिंग शुरू नहीं हुई है। दोस्तों ये सब वेबसाइट हमें बेवकूफ़ बनाकर हमारा डाटा लेकर उसका गलत इस्तेमाल या अपने फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है। जैसे कोई आपका पूरा नाम, ATM कार्ड नंबर, ईमेल ID, फ़ोन नंबर के साथ जानता हो, तो आपको कई बार ऐसे लोग फ़ोन करके आपको आपके बैंक से बोल रहा हो कह के आपका ATM पिन नंबर या फिर आपका ATM कार्ड नंबर मांग सकते हैं, और उसका गलत इस्तेमाल करके आपका बैंक अकाउंट हैक करके आपके पैसे हड़प भी कर सकते हैं। ऐसे कई सारे किस्से साइबर क्राइम में आजकल देखने को मिलते हैं दोस्तों, इसलिए कृपया करके ऐसे लोगों के झांसे में मत आइए और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। कोई भी बैंक आपसे फ़ोन पे पिन नंबर या फिर ATM कार्ड नंबर कभी नहीं मांगेगी, क्योंकि ये सब सीक्रेट रहता है दोस्तों। और कई वेबसाइट तो आपको जियो फ़ोन बुकिंग करने के नाम पर आपके और दोस्तों को जोड़ने के लिए कहेगी, और रजिस्ट्रेशन फेल हुआ तो फिर से दूसरी डेट पे रजिस्ट्रेशन करने को कहेगी। ये सब फेक है दोस्तों, इस पे भरोसा ना करें कभी भी, और कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑफिशियल वेबसाइट पे ही करें। कोई कोई तो आपको जियो की साइट पे जाकर कीप मी पोस्टेड पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करने को कहेगा, लेकिन मैंने खुद कीप मी पोस्टेड पे क्लिक करके कई बार देखा, लेकिन उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता दोस्तों। शायद 24 अगस्त के बाद हो सकता है। दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन प्री बुकिंग करनी हो तो 24 अगस्त के बाद सिर्फ और सिर्फ www.jio.com, ये जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही करें, वरना आप ही दूसरे वेबसाइट पे अपनी इन्फॉर्मेशन भरोगे और बाद में उसका रिस्पांस नहीं मिला तो जियो टीम को ही दोष देंगे, और दूसरी वेबसाइट वाले तब तक आपका डेटा चुरा चुके होंगे। और कोई जियो प्री बुकिंग 24 अगस्त से पहले चालू नहीं होगी, आप इसकी बुकिंग www.jio.com ये जियो की रजिस्टर यानी ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं, वो भी 24 अगस्त के बाद। हाँ, लेकिन आप अभी ज़्यादा से ज़्यादा जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पर फ़ोन के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, लेकिन वो भी जब आपको www.jio.com ये जियो की ऑफिशियल वेबसाइट दिखे तब। लेकिन अभी तक इसमें व्हाट्सएप फीचर है या नहीं, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं मिली है। जैसे कि मुकेश जी ने AGM में कहा कि इसकी बीटा टेस्टिंग 15 अगस्त को चालू होगी, मतलब 15 अगस्त से कुछ ही फ़ोन बीटा टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और इसकी बुकिंग 24 अगस्त से शुरू होगी। दोस्तों आपको अगर ये फ़ोन जल्दी चाहिए तो आप इसकी बुकिंग जियो ऐप से अगर आपको आती है तो, या रिलायंस जियो रिटेलर के पास जाकर कर सकते हैं, और ये फ़ोन आपको सितंबर में मिलने चालू होंगे। पहले आओ पहले पाओ की तरह ये फ़ोन मिलने चालू होंगे। इसके लिए आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जियो रिटेलर के पास लाइन लगानी होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जैसे आपको जियो सिम मिला था वैसे ही आपको ये फ़ोन भी जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है दोस्तों। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर क्लिक कीजिए, इससे आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, और ये सब बिल्कुल फ्री है। बेल बटन पर क्लिक करने से आपको हमारे अगले वीडियो की जानकारी मुफ्त में मिल जाएगी।
दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।